यदि आपके बीट क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है तो आपको इस इकोलॉजिकल ऐप में एक फाइल को अपलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एम्बिटाइज फाइल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस एम्बिटाइज फाइल को इस इकोलॉजिकल ऐप में अपलोड करना सीखेंगे। इस एम्बिटाइज फाइल को इस ऐप में अपलोड करने से यह फायदा होगा कि जब आप इस ऐप के माध्यम से प्रपत्र एक से लगाकर प्रपत्र पाँच तक की गणना करेंगे तो आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में आपके बीट क्षेत्र का मैप दिखाई देगा जिसमें आपके बीट क्षेत्र की सीमा भी दिखाई देगी, जिससे आपके भ्रमण के दौरान यह दिखाई देता रहेगा कि आप आपकी बीट सीमा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। यह एम्बिटाइज फाइल आपको आपके डिवीजन से मिलेगी। इस एम्बिटाइज फाइल को आप दूसरे मोबाइल से ब्लूटूथ के माध्यम से भी अपने मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इस एम्बिटाइज फाइल को आप अपने मोबाइल की फ़ोन मेमोरी में ही कॉपी करें। एसडी कार्ड में कॉपी करने से यह एम्बिटाइज फाइल इस इकोलॉजिकल ऐप में प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हो पाएगी। हमारे पास हमारे खंडवा डिवीजन की एम्बिटाइज फाइल पहले से ही हमारे मोबाइल की फ़ोन मेमोरी में कॉपी की हुई है। तो चलो इस एम्बिटाइज फाइल को इस इकोलॉजिकल ऐप में जल्दी से अपलोड करते हैं। ये हमारे सामने इकोलॉजिकल ऐप का होम पेज है। अब यहाँ सबसे ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करें। अब यहाँ ऑफलाइन मानचित्र पर क्लिक करें तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑफलाइन मानचित्र के लिए एम्बिटाइज फाइल को अपलोड करना है तो इस अपलोड बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ अपने मोबाइल की फ़ोन मेमोरी में कॉपी की गई इस एम्बिटाइज फाइल को सिलेक्ट करें। अब यहाँ नीचे ओके बटन पर क्लिक करें तो ये देखो हमारे सामने ये एम्बिटाइज फाइल इस इकोलॉजिकल ऐप में अपलोड हो रही है। यह एम्बिटाइज फाइल 88% तक तो बहुत फास्ट अपलोड हो जाती है। 94% के बाद अपलोड होने में इसे कुछ समय लगता है, इसलिए परेशान ना हो। तो ये देखो आपके सामने ऑफलाइन मैप्स क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। इसका मतलब यह एम्बिटाइज फाइल आपके इस इकोलॉजिकल ऐप में अपलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से बैक जाएं।